जय माँ काल, आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जी, आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल ड्राइवर। जी आप, बड़ी भर्ती 9000 प्लस आप लोग की वैकेंसी 2023 में ही निकल के आई थी। मार्च 2023 में आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई हुए, काफी कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई किया और एज में आप लोग को बेनिफिट मिला, सारी जानकारी आप लोग को दी गई। इसके अलावा आप लोग के रिटर्न एग्जाम की डेट भी दी गई थी और रिटर्न एग्जाम आप लोग का समय पे हुआ, ए टू जेड जानकारी आप लोग को प्रोवाइड कराएगी। जी हाँ, बड़ी भर्ती सीआरपीएफ की तरफ से बहुत ही बड़ी भर्ती आप लोग को देखने को मिली और ट्रेड्समैन टेक्निकल ड्राइवर के इतिहास की बड़ी भर्ती थी। 9360 वैकेंसी थी, अभी जो एक्चुअल में वैकेंसी है ये भी आप लोग को पता होगी, 8728 वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज भी आप लोग की वैकेंसी है, इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया भी आप लोग की वैकेंसी है। वैकेंसियों में काफी चेंजेस देखने को मिला, अलग अलग ट्रेडों में भी आप लोग को यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे, सारी जानकारी आप लोग को दी गई। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, रिटर्न एग्जाम की जो डेट दी गई, रिटर्न एग्जाम आप लोग का समय पे हुआ, ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम हुआ, काफी कैंडिडेट थे जिन्होंने रिटर्न एग्जाम में भाग लिया और काफी अच्छा रिटर्न एग्जाम यहाँ पे गया। रिटर्न एग्जाम के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट। जी हाँ, रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और आगे आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पे फिजिकल होने वाला है, ट्रेड टेस्ट होने वाला है और आप लोगों का मेडिकल यहाँ पे होने वाला है। इन सबको क्लियर करते ही आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन ले सकेंगे सीआरपीएफ में। जी हाँ, एज ए ट्रेड्समैन ड्राइवर। तो इम्पोर्टेंट चीज है रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट। देखिए, रिजल्ट की जानकारी आप लोग को दी गई थी, अभी कुछ समय से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो जैसे ही उन प्रॉब्लम सॉल्व हुई है मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर गया हूं। जी हाँ, काफी बच्चों के कमेंट यहां पे आ रहे थे कि सर कोई वीडियो क्यों नहीं बना रहे सीआरपीएफ पैरामेडिक ट्रेड्समैन टेक्निकल ड्राइवर के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या सर, आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। तो क्या आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से वीडियोस बनाता रहूं, फेक जानकारी देता रहूं बिना किसी इन्फॉर्मेशन के? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं जानकारी आप लोग को तभी देता हूं जब मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन निकल के आती है और कोई रियल और सटीक इन्फॉर्मेशन ही मिलती है, नोटिस के माध्यम से या किसी अदर अच्छे माध्यम से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तभी आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आता हूं। फालतू में वीडियोस में आप लोग के लिए नहीं बनाता। और कोई भी यहां पे मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोसेस मेरे हाथ में नहीं है कि आप लोग कहें सर कोई वीडियो लेकर के नहीं आ रहे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, सर क्या इन्फॉर्मेशन है, कब रिजल्ट आएगा, कब हमारे ट्रेड टेस्ट स्टार्ट होंगे। देखिए, जब डेट फिक्स होगी तभी तो इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। बार बार मैं आप लोगों से यही कहूं, डेट फिक्स नहीं है, वेट कीजिए, या इस दिन आप लोग का एग्जाम हो सकता है, तो ये चीजें भी सही नहीं है। आप लोग कहेंगे सर आपने बोला मार्च में हो जाएगा, फरवरी में हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा, तो देखिए ऐसा नहीं है। मेरे चैनल पे आप लोग को ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी, मेरे चैनल पे आप लोग को वही जानकारी मिलेगी जो रियल है। जी हाँ, जो रियल है और आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। तो आज मैं आप लोग की रिक्वेस्ट पे वीडियो लेकर के आया हूं। जी हाँ, आप काफी समय के बाद, सिर्फ यही जानकारी देने के लिए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो सकता है। वीडियो इम्पोर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है रिटर्न एग्जाम आप लोग का हो चुका है, अब आप लोग का यहाँ पे फिजिकल होने वाला है। जी अब फिजिकल आप लोग का होने वाला है, 8 गुना कैंडिडेट यहाँ पे आप लोग के पास किए जाएंगे, फिजिकल की जानकारी आप लोग को होगी। इसके बाद आप लोग का ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल वगैरह आप लोग का प्रोसेस होने वाला है। तो अब बात यह आ रही है कि सर रिटर्न एग्जाम हमारे फिजिकल कब होंगे। देखिए, फिजिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग के रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आना जरूरी है। दो शब्दों में मैं आप लोग को क्लियर कर दूं इस वीडियो के माध्यम से कि आपके फिजिकल की कोई भी डेट अभी निश्चित नहीं है। जी हाँ, कोई भी डेट अभी तक फिक्स नहीं हुई है। जब डेट फिक्स नहीं है तो मैं आप लोग के लिए वीडियो कैसे लेकर के आ सकता हूं, कोई इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को कैसे दे सकता हूं। यदि सिर्फ आप लोगों को गुमराह करना हो या फिर सिर्फ वीडियो बनाना ही मकसद हो तो हर हफ्ते एक वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे, आप लोग बता दीजिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो अभी मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, आपके फिजिकल की कोई डेट यहां पे फिक्स नहीं हुई है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, देखिए मैं आप लोग को बता दूं, अभी आप लोग के फिजिकल स्टार्ट हो जाते, ठीक है, फिजिकल स्टार्ट हो जाते, एडमिट कार्ड वगैरह आप लोग के आ जाने चाहिए थे, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो आप लोगों का इलेक्शन। जी हाँ, इलेक्शन एक बहुत बड़ा रीजन है
कि आप लोग के फिजिकल ट्रेड टेस्ट वगैरह यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो पा रहे हैं। काफी बच्चे बोलेंगे सर क्या मीन्स इलेक्शन में ही सभी सारा स्टाफ लग जाएगा। देखिए सारा स्टाफ नहीं, लेकिन काफी स्टाफ आप लोग का जो है इस कार्यों में इन्वॉल्व हो जाता है। जी हाँ, आप लोग के काफी स्टाफ आप लोग देखेंगे कि आप लोग के जो है इलेक्शन के कार्यों में लग जाते हैं। हर यूनिट से एक या दो बटालियन आप लोग देखेंगे, मीन्स चुनाव के कार्यों में लगना ही पड़ता है। जी हाँ, चुनाव में लगना ही पड़ता है। तो स्टाफ की कमी आप लोगों को देखने को मिलेगी। डिपार्टमेंट इन सब चीजों को जानता है, स्टाफ की कमी होगी और आप लोग की रिक्रूटमेंट बड़ी है। काफी ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाने पड़ेंगे, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल के लिए, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही प्रोसेस आप लोग का एक साथ लेने की बात कही जा रही थी। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, अभी एक ऑप्शन ये भी चल रहा था कि फिजिकल आप लोग का ले लिया जाए, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ले लिया जाए, बाकी आप लोग का ट्रेड टेस्ट मेडिकल वगैरह बाद में लिया जाए। लेकिन फिजिकल का भी प्रोसेस डिपार्टमेंट स्टार्ट नहीं कर पा रहा है, यानी कि जो भी चीजें हैं ये जरूर कहीं ना कहीं आप लोग के चुनाव से जो इलेक्शन आप लोग के हो रहे हैं इसकी वजह से बाधा उत्पन्न हो रही है। इस वजह से कोई डेट निकल के नहीं आ रही है, किसी भी सेंटर से कोई भी इंफॉर्मेशन निकल के नहीं आ रही है। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, किसी भी प्रकार से कोई भ्रम में आप लोग मत रहिए कि मार्च लास्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, अप्रैल फर्स्ट वीक से, लास्ट अप्रैल लास्ट से या मई लास्ट से, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए अभी आप लोग की डेट यहाँ पे फिक्स हुई है, जो भी जो समय वगैरह निश्चित किया गया है कहाँ किस क्षेत्र में कहाँ कैसे इलेक्शन होने वाला है। अप्रैल और मई पूरा पूरा यहाँ पे बिजी है। जी हाँ, अप्रैल और मई आपके इलेक्शन के लिए, और ये कहीं ना कहीं आपके इस रिक्रूटमेंट में बाधा उत्पन्न कर रहा है। ऐसे समय पे इलेक्शन हो रहा है जबकि आपका प्रोसेस स्टार्ट होना था, तो इस वजह से आप लोग के फिजिकल की कोई डेट निकल के नहीं आ रही। अब आप लोग बोलेंगे कि सर आचार संहिता की वजह से, काफी बच्चे बोले सर आचार संहिता ले, देखिए आचार संहिता से फिजिकल होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिजिकल जो रिक्रूटमेंट चल रही है, प्रोसेस चल रही है, वो चलती रहती है। आचार संहिता में बोलेंगे सर कोई रिक्रूटमेंट आती भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रिक्रूटमेंट भी आती रहती है, लेकिन कोई बड़ी रिक्रूटमेंट, ऐसी कोई मलाईदार रिक्रूटमेंट नहीं निकल के आ सकती जिससे कि कहीं ना कहीं इलेक्शन में असर पड़े और बेनिफिट आप लोग को देखने को मिले। मेरी बात को आप लोग समझ रहे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 कोई ऐसी रिक्रूटमेंट निकाल दिया, नहीं, छोटी मोटी रिक्रूटमेंट निकलती रहती है, 1,500, 1,500, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। आचार संहिता में ये सब कुछ चलता रहता है और जो रिक्रूटमेंट चल रही है उनका भी प्रोसेस चलता रहता है। आचार संहिता से इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों से मतलब है। स्टाफ बिजी, स्टाफ कितना स्टाफ बिजी हो जाएगा, कितना स्टाफ रहेगा, कितना स्टाफ मीन से फिजिकल करवा सकता है नहीं करवा सकता, जी हाँ आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा एसएससी जीडी की भी रिक्रूटमेंट चल रही है जिसके कि फिजिकल का भी प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो यही सब रीजन है जिसकी वजह से अभी तक सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल ड्राइवर की कोई डेट निकल के नहीं आई है, नहीं आई है, नहीं आई है। मैं आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर दूं, जी हाँ कोई डेट नहीं है। अब बात यह आएगी सर कब तक फिजिकल स्टार्ट हो सकते हैं, जी हाँ जानकारी मैं आप लोग को यहाँ पे देने वाला हूं। और रिजल्ट देखिए फिजिकल कब तक स्टार्ट हो सकते हैं ये मैं आप लोग को जानकारी दे दूं, डेट अभी भी फिक्स नहीं है, कोई डेट ही फिक्स नहीं है, तो मैं आप लोग को कैसे बता दूं। अप्रैल और मई में इलेक्शन है, मई के बाद ही आप लोग को आपका फिजिकल देखने को मिलेगा। मई के बाद आप लोग को जून माह में फिजिकल देखने को मिलना चाहिए, डेट अभी भी फिक्स नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से मैं जानकारी दे रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि जून मंथ में आप लोग को आपका फिजिकल देखने को मिल सके। जी हाँ, अप्रैल और मई में पॉसिबिलिटीज बहुत 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 कम है, कोई डेट निकल के नहीं आ रही है। यदि आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा तो आप लोग को जानकारी दी जाएगी। तो मेरी तरफ से यदि आप लोग जानकारी चाह रहे थे तो मैं आप लोग को बता दूं, मई के बाद ही आप लोग का फिजिकल देखने को मिलेगा। जून का मंथ आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तैयारी आप लोग करते रहिए करते रहिए करते रहिए। इसके अलावा बच्चे बोलेंगे सर रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट, देखिए रिटर्न एग्जाम के रिजल्ट में कोई बाधा नहीं है, रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट इस बीच कभी भी आ सकता है, कोई ऐसी डेट फिक्स करने की जरूरत भी नहीं है कि आपका रिजल्ट आज निकाल दिया जाए मार्च लास्ट में और अप्रैल फर्स्ट वीक से आपके फिजिकल स्टार्ट कर दिया। यदि फिजिकल स्टार्ट करने होते तो एक बाउंडेशन होती कि मार्च लास्ट में ही आपका रिजल्ट देना है, जब फिजिकल स्टार्ट करने की कोई बाउंडेशन ही नहीं है, अभी फिजिकल आप लोग के स्टार्ट ही नहीं हो रहे, तो रिजल्ट भी कभी भी आ जाएगा। मैं ये कैसे कह दूं कि मार्च लास्ट में ही आपका रिजल्ट देखने को मिले, हो सकता है मार्च लास्ट में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाए, हो सकता है अप्रैल में देखने को मिल जाए, हो सकता है मई में देखने को मिल जाए,
हो सकता है जब आपके फिजिकल स्टार्ट हो उससे एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले आप लोग को देखने को मिले। तो ऐसी देखिए कोई डेट अभी तक फिक्स नहीं है आपके रिजल्ट की, कभी भी आप लोग का रिजल्ट आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। डिपार्टमेंट के पास पूरा समय है, अभी तक कोई डेट आप लोग की फिक्स नहीं है। आगे आने वाले समय में कोई जानकारी आप लोग को मिलेगी तो जानकारी दी जाएगी, दी जाएगी, दी जाएगी। आप लोग तैयारी करते रहिए, रिटर्न एग्जाम में अच्छे नंबर हैं, बिल्कुल आप लोग तैयारी कीजिए, आपको समय मिल रहा है, इतना अच्छा समय क्योंकि ये रिक्रूटमेंट, इस प्रकार की रिक्रूटमेंट अब दोबारा आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। तो पूरी जी जान लगा दीजिए, जो भी समय मिल रहा है उसका उपयोग कीजिए। इस चीज को लेकर चिंतित मत होजिए कि सर कब फिजिकल होंगे नहीं होंगे, ये सब कुछ होना है लेकिन क्यों और कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आप लोग को पता होना चाहिए। तो सब कुछ मैनेज करते हुए डिपार्टमेंट चलेगा, आपका फिजिकल भी होगा, रिजल्ट भी आएगा। वेट कीजिए, वेट कीजिए, वेट कीजिए, कोई डेट अभी तक फिक्स नहीं है, नहीं है, नहीं है। आने वाले समय में आप लोग को जानकारी दी जाएगी। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाला बटन दबाइए और टेलीग्राम का लिंक दिया उससे भी आप लोग जुड़िए ताकि समय से सही और रियल जानकारी ही आप लोग को दी जाए, किसी भी प्रकार से गुमराह करने की कोई मंशा ना हो। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।